ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किसानों के साथ हर वर्ग को साधा है। बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी ने गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदने के साथ 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है। वहीं बीजेपी ने छात्राओं को फ्री स्कूटी, हर नवजात बेटी को 2 लाख का सेविंग बॉन्ड देने के साथ कई संकल्प लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की राष्ट्रीय भारत की सरकार के द्वारा कि राजस्थान को जितना संभव हो सके उतना हम उसको मुख्य धारा में शामिल करें, और इसलिए चाहे वो महिलाओं को सम्मान देने के लिए इज्जत घर का सवाल हो, यानी शौचालय बनाने का सवाल हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे नारी शक्ति वंदन विधेयक हो और चाहे उजाला योजना हो, ये सभी महिलाओं को ताकत देने का काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें आगे अपने आप को बढ़ाया है। उसी तरीके से अगर किसानों की बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नीम कोटेड यूरिया, सॉयल हेल्थ कार्ड, ईच क्रॉप मोर क्रॉप, ये सारी योजनाओं के तहत किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर हम युवाओं की बात करें तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि पिछले 7 महीनों में 6 लाख सरकारी नौकरी भारत सरकार ने उनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दी है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं गरीबी की बात करूं तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ पीपल आर गेटिंग 5 किलो राइस और 5 किलो व्हीट और 1 किलो पल्स, और आज भारत की गरीबी, मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहता है, IMF कहता है कि भारत की गरीबी BPL से बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठने वालों की संख्या 13.5 करोड़ है, और IMF ही कहता है कि अति गरीबी भारत में नाउ इट इज लेस देन 1%। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा उसमें योगदान है, और SC ST अमेंडमेंट एक्ट को ला करके हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भाइयों को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।